एक्चुअली नीट एस्पायरेंट था. हम लोग पहले सोचते थे कि TCS इज द अल्टीमेट कंपनी विच वी कैन गेट फ्रॉम अवर टियर 3 कॉलेज. तो उसके बाद मुझे अडोबी से भी इंटर्नशिप का ऑफर मिला. 1000 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे 2-3 मंथ्स में ऑन लीड कोड. बाहर के क्लाइंट्स ऐसे नहीं है, दे कैन पे अप टू 3000-4000 US dollars. सो दैट्स अ मैसिव अमाउंट. ये शायद तुम ना बताना चाहो, बट अगर बताना चाहो तो बता दो कि पर मंथ अराउंड कितना फ्रीलांसिंग से तुम कमा लेते थे. कोई ऑनलाइन एजमेंट लिंक आएगा, बट आया नहीं लास्ट. इंटरव्यू हो गया, रात को मुझे ऑफर भी मिल गया उस कंपनी से. हाय गाइस, आई एम शांचार, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट. आज की वीडियो में हमारे साथ है सनी. वो एक टीयर 3 कॉलेज से है कोलकाता से, एंड वो स्टार्टिंग में नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे. उन्होंने 2 बार नीट का एग्जाम दिया एंड क्लियर नहीं हुआ, फिर उन्होंने इंजीनियरिंग साथ ज्वाइन कर ली थी. एंड इंजीनियरिंग करते करते ही करंटली हैव 8 ऑफर, एंड उसके साथ 2 उसमें से इंटरनेशनल ऑफर्स हैं. तो पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह लेते हैं एंड उसके बाद अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे. सनी यार, थोड़ा बताओ. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी हुसैन है. तो मैं एक टीयर 3 प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करता हूँ जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है. तो मैं थोड़ा सा अगर अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मैं एक्चुअली नीट एस्पायरेंट था. तो मैं डॉक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मेडिकल के लिए. तो मैंने 11-12 में आकाश से पढ़ा था, एंड देन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, गवर्नमेंट कॉलेज मिला नहीं. एंड तो मैंने सोचा कि जेई भी मैंने दिया था, बट सिंस मैं बाहर स्टेट में नहीं जाना चाहता था, तो मैंने सोचा कि वेबजी से ही मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पे कोलकाता में पढ़ लेता हूँ. तो मैंने CS लिया और फिर 1 साल मैंने फिर से प्रिपेयर करा नीट के लिए कि मैं एंड ऑफ 1 ईयर फिर से मैं नीट दूंगा और मैं मुझे मेडिकल कॉलेज शायद इस बार मिल जाएगा. तो लकीली इस बार मिल गया था, गवर्नमेंट कॉलेज मेरे पास में ही था. बट ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, थोड़े डिसीजन का भी फ्लॉज थे, तो वो सीट मैंने क्लेम नहीं कर पाया इन टाइम. तो नीट के मतलब नीट तो गया उधर, और कंप्यूटर साइंस के अलावा इंजीनियरिंग के अलावा और कुछ सीन बैठ नहीं रहा था. तो बस वहीं से स्टार्ट हुआ जर्नी और आज यहाँ पे. ओके, तो मतलब 2 बार, मतलब दूसरी बार तो नीट क्लियर भी हो गया था एंड फिर भी लाइक लाइफ हैज अदर प्लान्स फॉर यू, गॉड्स प्लान इज बेटर देन योर्स. तो वो यहाँ पे सनी के केस में काफी सही फिट हो रहा है. एंड अभी इसके पास 2 ऑफर्स है इंटरनेशनल, एक तुम्हारा गोल्डमैन शाक्स से एंड एक तुम्हारा डी शॉ से. सो दोनों काफी अमेजिंग कंपनीज है, काफी अमेजिंग पैकेज देती है. इनके अलावा 6 और लाइक इंडियन कंपनीज से ऑफर्स हैं. थोड़ा ये बताओ कि कौन से ऑफर्स वगैरह हैं तुम्हारे पास. ओके, तो इंटरनेशनल में हो गया डी शॉ लक्जमबर्ग से और गोल्डमैन शॉक्स पोलैंड से है. और बेसिकली इंडियन जो जो ऑफर्स है तो वो एडोबी से है विच इज इन बैंगलोर, और फिर अमेरिकन एक्सप्रेस से है, डिस्कॉर्ड से है, रिलायंस जियो से है, LTI से एंड कॉग्निजेंट से. ये 6 कंपनीज है जो नेशनल ऑफर्स दे रहे हैं. काफी अमेजिंग ब्रो, काफी अमेजिंग. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि यार तुमने कोडिंग वगैरह स्टार्ट कैसे करी थी, कब तुमने कोडिंग करना स्टार्ट किया, वो सारे थोड़ा जर्नी बताओगे अपनी. ओके, तो बेसिकली ऐसा तो कुछ सीन नहीं था. लाइक हम लोग पहले सोचते थे कि TCS इज द अल्टीमेट कंपनी विच वी कैन गेट फ्रॉम अवर टियर 3 कॉलेज. फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, इससे ज्यादा भी हम लोग जा सकते हैं, गूगल भी क्रैक कर सकते हैं. बिकॉज तब थोड़ा सा यूट्यूब में भी ट्रेंड चल रहा था, भैया लोग आ रहे थे जैसे लब बब्बर भैया है, तो उनसे ही थोड़ा सा इंस्पिरेशन पहले मिला था कि हाँ हम लोग भी कर सकते हैं. और प्रोसेस भी तब जानने को मिला था कि ऐसे ऐसे करके हम लोग ऑफ कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं. तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल DSS से स्टार्ट करा जैसे सब करते हैं, और धीरे धीरे करके कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का पता चला, दोस्त वगैरह करते रहते थे तो हम लोग भी स्टार्ट कर दिए. और उसके बाद धीरे धीरे मैंने डेवलपमेंट की बात अगर करूं तो मेरा डेवलपमेंट जो स्किल है वो एस्टैब्लिश हुआ फ्रीलांसिंग के थ्रू. तो मेरे भैया थे फ्रीलांसर, तो बेसिकली मुझे पता चला लाइक एक एक वेबसाइट्स के अगर कुछ क्लाइंट्स मिल जाता है तो दे कैन पे अप टू 10,000 मिनिमम. तो नेशनल क्लाइंट्स ही इतना पे कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स तो और ज्यादा पे करते हैं, लाइक 5,000-6,000 US dollars ऐसे पेमेंट्स आ रहे थे. ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लिए एक मैसेज है फ्रॉम cryo.do. अब cryo.do क्या है यार, एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे क्या होता है, तुम प्रोजेक्ट्स करने से नई नई टेक्नोलॉजीज वगैरह सीख रहे होते हो. अब यार क्रायो वर्ल्ड लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो तुम्हें हेल्प करेगा फुल स्टैक एंड बैक एंड जॉब्स क्रैक करने में विद योर ड्रीम CTCs फ्रॉम 6-40 lakh rupees. यार विद 3,000+ लर्नर्स एंड 500+ ग्रेड्स प्लेस्ड इन ग्लोबल MNCs, यूनिकॉर्न्स एंड हाइपर ग्रोथ स्टार्टअप्स लाइक Amazon, ग्रो, क्रेड, फ्लिपकार्ट, पेटीएम. क्रायो के जो ग्रेड्स हैं उनको यार एटलीस्ट 89% हाइक मिल रही होती है ऑन एन एवरेज. क्रायो में यार तुम एक डेवलपमेंट ऐसे एग्जैक्टली सीख रहे होगे जैसे तुम एक फुल टाइम जॉब के साथ कर रहे होते हो, ठीक है. अब तुम कोई भी एक जब स्टैक चूज करोगे, चाहे फुल स्टैक हो या फिर बैकएंड डेवलपमेंट हो, उसके बाद तुम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे एंड रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने से तुम अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे होगे. एंड उसके बाद तुम्हारी प्लेसमेंट गारंटी भी है,
तुम एक अच्छे स्टार्टअप में, एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाओगे। एंड यार एक अमेजिंग बात ये भी है कि तुम इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स होंगे। एंड यार प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पसंद होते हैं रिक्रूटर्स को भी, एंड तुम्हारी जो गिटहब प्रोफाइल है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी। यार यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट 10% ऑफ, उसके साथ कुछ फ्रीबीज वगैरह भी है वो तुम्हें सारे मिल रहे होंगे, ठीक है, वो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही होंगी, जाके जरूर रजिस्टर कर देना, ठीक है, बस तुम्हें अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अब बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो बेसिकली वहां से भी थोड़ा सा नेटवर्क एस्टैब्लिश हुआ यूके में, कैलिफोर्निया में, यूएसए में एंड देन आल्सो इन जर्मनी। तो ऐसे करके हम लोग फ्रीलांसिंग भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहे थे और वहां से मेरा डेवलपमेंट स्किल्स भी अच्छा हो गया काफी। एंड देन कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग इधर चलता आ रहा था, तो उसके साथ साथ मैंने क्या किया कि इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया। तो फर्स्ट इंटर्नशिप मैंने जो किया था वो एक स्टार्टअप बेस्ड में था। तो उसके बाद मैंने ट्राई किया कि थोड़ा सा रिसर्च भी कर लेते हैं। तो रिसर्च के लिए मैंने डिस्कॉर्ड में अप्लाई किया था, तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट रिसर्चर्स एट डिस्कॉर्ड। तो वहां पे 3 months मैंने काम किया एंड देन वहां से मुझे पीपीओ भी मिल गया था बाद में। एंड देन उसके बाद अराउंड 2020 जुलाई में मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस में अप्लाई किया, तो वहां से भी ऑफर आ गया था। और साइड वाइज मैं एडोबी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, तो जुलाई अगस्त में एडोबी के लिए भी एग्जाम्स दिए थे, बट ड्यू टू कोविड लाइक 3 rounds था हमारा, तो कोविड की वजह से वो ऑफर मुझे मिला नहीं। लेकिन वापस वो चीज नवंबर में मुझे फिर से बोला गया कि आप आओ फिर से इंटरव्यूज वगैरह दो। तो वहां पे 6 rounds टोटल थे मेरे इंटर्नशिप के, लाइक बहुत ही ज्यादा टायरिंग राउंड्स थे। तो उसके बाद मुझे एडोबी से भी इंटर्नशिप का ऑफर मिला एंड देन बोथ आई डेड, और फिर लास्ट में मुझे दोनों कंपनी से पीपीओ भी मिला था। और एक चीज था रिलायंस का, वो मैंने मतलब रिलायंस तब न्यू उठा था बहुत, एंड वो लोग अपने वेब स्टोर को थोड़ा सा डेवलप कर रहे थे। तो सिंस आई डिड फ्रीलांसिंग फॉर लाइक 1 year एट दैट मोमेंट, तो उससे मुझे वो ऑफर भी मिल गया कि मैंने 3 months उनका वेब स्टोर डेवलप किया और फिर 6 months मैंने उनका वेब स्टोर मेंटेन भी किया था। तो बेसिकली वहां से भी मुझे पीपीओ मिल गया था और कैंपस प्लेसमेंट से LTI मुझे मिला था, तो वो रिसेंट है, बहुत रिसेंट है। तो ऐसे ही करके हुआ सब कुछ। गॉट इट। अब यार सनी ये बताओ कि लाइक कोडिंग स्टार्ट कैसे करी थी, लाइक कॉम्पिटिटिव हो गई, डीएसए हो गई, कुछ भी हो गया, वो तुमने लाइक इनिशियली कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा था, कैसे पढ़ रहे थे? ओके, तो इनिशियली हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो वैसे कुछ कॉन्क्रीट लिस्ट्स नहीं थे कि यहीं से पढ़ना है, यहाँ से पूरा पढ़ोगे, ये कोर्स पूरा कर लोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था, आप भी जानते हैं। तो बेसिकली तब हम लोग क्या करते थे कि एक लिस्ट बना लेते थे कि मुझे कौन कौन से एल्गोरिदम पता होने चाहिए, फिर उसको धीरे धीरे गीक्स फॉर गीक से पढ़ो या फिर उसको उसके क्वेश्चंस करो लीड कोड पे। तो ऐसे करते करते मैंने पूरा एल्गोरिदम प्रिपेयर कर लिया और मैं वैसे ज्यादा क्वेश्चंस करता नहीं था। मैंने अराउंड जनवरी को दिस ईयर 2022 को मैंने 1000 problems सॉल्व किए थे 2-3 months में ऑन लीड कोड। तो बेसिकली एल्गोरिदम्स मुझे पहले से पता थे, इसीलिए एकदम फास्ट फास्ट हो गए थे सारे क्वेश्चंस। 1000 problems कम तो नहीं होते हैं बिल्कुल भी मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा होते हैं भाई, बट काफी अमेजिंग यार, मतलब मेहनत का फल ही है जो तुम्हें इतने सारे ऑफर्स मिले हैं, जो भी मिला है तुमने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है स्टार्टिंग से अब तक। अब यार फ्रीलांसिंग वगैरह के लिए तुम प्रोजेक्ट्स वगैरह कहाँ से लेते थे, मतलब अप्रोच कैसे करते थे? स्टार्टिंग में प्रोफाइल मेरे हिसाब से बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो तुम्हें कोई भी क्लाइंट नहीं मिलेगा, राइट? हाँ, तो बेसिकली ये बात तो एकदम सही है कि एकदम इनिशियल फेज में फ्रीलांसिंग करना बहुत टफ है, क्लाइंट्स मिलते नहीं है, 2-3 months कांस्टेंट तुम उसी प्लेटफॉर्म पे बिताते रहोगे लेकिन क्लाइंट तुमको मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे मेरे साथ एक लक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया। तब न्यू उठा था विज काउंसिल नाम से एक प्लेटफॉर्म इंडिया में, तो वो लोग बहुत ही कम लोगों को हायर कर रहे थे एक्सपर्ट्स को और वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा थी गीग्स की। तो बेसिकली वहां से मुझे एक अच्छा किक स्टार्ट मिला कि 2-3 profiles वहीं से हो गए, 2-3 projects वहीं से हो गए। एंड देन व्हाट आई डिड वाज आई वेंट टू freelancer.com फिर upwork.com। तो वहां पे जाके मुझे क्या मिला कि जो जो क्लाइंट्स जो जो प्रोजेक्ट्स रखते थे मतलब फ्रीलांसर्स के सामने कि ये मुझे चाहिए, ये तुम बना के दो, तो मैं क्या करता था, मुझे वो कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, मैं उस प्रोजेक्ट को अपने से बनाता था और फिर मैं उस प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो में डाल देता था। मुझे मतलब वैसा कुछ कनेक्शन नहीं था कि मैंने उसका प्रोजेक्ट बनाया और मुझे उससे पैसा मिला, वैसा कुछ नहीं था। मैंने वो प्रोजेक्ट रिप्लिकेट करके अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया ताकि मैं बाद में किसी क्लाइंट को दिखा सकूं। तो इससे क्या हुआ, मेरा पोर्टफोलियो भी कंप्लीट हो गया और मैं बाद में मतलब डायरेक्ट क्लाइंट्स भी आते रहते थे वैसे करके। थोड़ा सा अगर मतलब पॉपुलर हो जाओ तो वो भी अपने म्यूचुअल कनेक्शंस को भेजते रहते हैं अपने थ्रू। तो बेसिकली यही चीज है। और एक चीज है कि नेशनल क्लाइंट्स तुमको थोड़ा सा
लो बॉल करेंगे कि इतने कम पैसे में कर लो, इतने कम पैसे में कर लो। बाकी बाकी बाहर के क्लाइंट्स ऐसे नहीं है, दे कैन पे अप टू 3,000-4,000 US डॉलर, सो दैट्स अ मैसिव अमाउंट। दैट इज रियली अ मैसिव अमाउंट। 7,321 करोगे 2 लाख से ऊपर हो गए ये अराउंड, तो काफी सही अमाउंट है। सो एक ये थोड़ा शायद क्वेश्चन है, ये शायद तुम ना बताना चाहो, बट अगर बताना चाहो तो बता दो कि पर मंथ अराउंड कितना फ्रीलांसिंग से तुम कमा लेते थे। ओके तो इनिशियल फेज में उतना ज्यादा अर्निंग नहीं होता था। मैं अगर बहुत ट्रांसपेरेंट रहूं तो दैट्स अराउंड 30,000-40,000। बट जब तुम मतलब माहिर हो जाते हो उस स्किल पे, तो इट कैन रेंज अप टू 3-4 लैक्स तो हो ही जाता था मंथली, एंड इट काफी सही इट कैन एक्चुअली राइज एज हाई एज 30 लैक्स पर मंथ एज वेल। तो इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम। 30 लैक्स पर मंथ, ग्रेट ब्रो, ग्रेट, काफी सही। अब ये हमने फ्रीलांसिंग की थोड़ी बात करी, अब थोड़ा वापस आते हैं इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स की तरफ। तो यार ये कुछ डिफरेंस होता है नेशनल इंटरनेशनल प्लेसमेंट के प्रोसीजर में पूरा, थोड़ा पहले वो बताओगे? कभी मतलब ऐसा लाइक मैं अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करूं, गूगल के लिए ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस बहुत सेम है। बट मुझे लगता है कि कुछ कुछ कंपनीज में प्रोसेस डिफरेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं गोल्डमैन सैक्स की, अब गोल्डमैन सैक्स ने, मैंने 3 लोकेशंस पे अप्लाई किया था गोल्डमैन सैक्स के, एक था बैंगलोर, एक था न्यूयॉर्क और एक था वॉर्सॉ। तो न्यूयॉर्क का मुझे कुछ खास कुछ आया नहीं वापस रिवर्ट बैक, तो बैंगलोर का आया था। तो बैंगलोर वाला जो था वो मुझे 3 आवर्स ओए देना पड़ा था ऑनलाइन असेसमेंट, 2 आवर्स का कोडिंग था और 1 आवर का एप्टीट्यूड था। लेकिन जो पोलैंड वाला है उसमें बस मुझे 60 मिनट्स का ओए मिला। तो ये तो पहले ही एकदम मैसिव डिफरेंस है। और सेकंड चीज, यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स हायर व्यू राउंड नहीं लेती है इंडिया, मतलब वो जो बिहेवियरल क्वेश्चंस रहते हैं, तुमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड जज किया जाता है, तो वो यहाँ पे बैंगलोर में नहीं है। बट दैट इज वेल मतलब टेकन इन फॉरेन लोकेशंस, जैसे वॉर्सो में मेरे साथ यही हुआ था, हायर व्यू राउंड मेरे साथ हुआ था। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट है एप्लीकेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। और थर्ड चीज जो मुझे सबसे बेहतरीन लगी, बाहर में They don't ask you to code. मुझे code करने के लिए पूछा ही नहीं। We were just talking face to face interview. और they asked me DSA questions. Actual में questions अच्छे थे काफी। और they are more like you know they want to know the thought process. तुम सोच क्या रहे हो? तुम इस तुमने जो solution बताया उसको prove करके दिखाओ कि वही best solution है इस particular question के लिए। तो ऐसे ऐसे चीजें होती है। They focus more on the logical reasoning part. Got तो it. ये मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा कि दिस इज द थिंग देयर, कि सिर्फ कोड कर दो उससे फर्क नहीं पड़ता, तुमको चीजें आनी चाहिए, तुमको लॉजिकल रीजनिंग करना आना चाहिए। और मैसिव कुछ वैसा कुछ डिफरेंस नहीं है, बिहेवियरल राउंड सेम थे। प्रोजेक्ट पे आई गेस ज्यादा ग्रिल किया जाता है बाहर, तो या एक चीज और बताओ कि लाइक प्रोसेस कैसा था दोनों कंपनीज का। पहले डी शो की बात करते हैं कि कितने राउंड वगैरह थे, तुमने अप्लाई वगैरह कैसे किया था? ओके तो डीशा तो दो मैंने पहले रेफरल लिया था, फर्स्ट हैदराबाद लोकेशन के लिए, तो एक फॉर्मर इंटर्न है तो उनसे मैंने रेफरल लिया, एंड देन ही एक्चुअली लाइक माय प्रोफाइल और उसने रेफरल भी दे दिया। तो मुझे लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब कोई ऑनलाइन असेसमेंट लिंक आएगा, बट आया नहीं लास्ट तक। तो मैंने क्या क्या किया कि मैंने फिर से उनका करियर्स पेज देखा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज एक्चुअली सीइंग द डीशा करियर्स पेज, मतलब वही फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। ऐसे पहले से कुछ थॉट नहीं था कि मुझे यही पे जाना है। तो बेसिकली मैंने देखा कि लग्जमबर्ग का ओपनिंग है, तो मैंने अप्लाई किया डायरेक्ट। रेफरल मुझे, मेरे कनेक्शंस नहीं थे वहां पे लग्जमबर्ग में, तो मैं रेफरल नहीं ले पाया, तो डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। और उसके बाद मुझे ऑनलाइन असेसमेंट लिंक मिल गया इन 2-3 डेज। तो क्वेश्चंस काफी मतलब स्टैंडर्ड थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। लीड कोड हार्ड ही मैं बोलूंगा, 3 क्वेश्चंस थे, 20 मिनट्स 20 मिनट्स, एंड देन द फाइनल वन वाज 30 मिनट्स। तो 3 क्वेश्चंस 70 मिनट्स में कवर अप करने थे। तो बेसिकली सारे क्वेश्चंस लीड कोड हार्ड थे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप, एज आई सेड कि हायर व्यू राउंड तुम इंटरनेशनल ऑफर लेना चाहते हो तो हायर व्यू राउंड तुम्हारा होगा ही होगा। तो बिहेवियरल क्वेश्चंस पे वो तुमको मतलब थोड़ा सा एसेस करेंगे, तुम कैसे हो, स्मार्ट हो, बॉडी लैंग्वेज सही है कि नहीं, आई कॉन्टेक्ट कर रहे हो कि नहीं, ये सारी चीजें फोकस करते हैं वो लोग। तो बेसिकली वो राउंड हो गया आईआरबी राउंड, एंड देन यू गेट द कोल्डर पैड जो बोलते हैं वो लोग, या फिर ऑन साइट जो बोलते हैं। तो ऑन साइट में क्या होता है, 2 आवर्स या फिर 1.5 आवर्स वो लोग दो राउंड्स एक के बाद एक सिंक करते हैं। तो हर एक राउंड में 2-2 इंटरव्यूज रहते हैं।
तो पैनल में दो दो इंटरव्यूअर्स, दे कैन आस्क एनीथिंग, दे बिलोंग टू डिफरेंट डोमेन्स। तो मेरे जो इंटरव्यूअर्स थे, एक बिलोंग करते थे फाइनेंस डेटा इंजीनियरिंग टीम को और दूसरा कुछ मॉडलिंग टीम के ऊपर था। तो बेसिकली वो अपने अपने एक्सपर्टाइज थ्रू क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और यहाँ पे और एक चीज है, मैथ्स पूछते हैं वो लोग, लाइक मतलब फ्रेशर्स को भी थोड़ा थोड़ा मैथ्स वो लोग पूछेंगे और डेटाबेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है एंड देन ये सारे राउंड जब हो जाएंगे, दो राउंड्स हो गए ऑन साइट, फिर फाइनल राउंड आपको मतलब टीम मैचिंग के लिए बुलाया जाएगा। आपको जो जो टीम पसंद है तो वो उसके साथ आप सिंक कर सकते हैं एंड फाइनली हायरिंग मैनेजर से बात कर सकते हैं एंड देन यू गेट द ऑफर। दिस एंड प्रोसीजर फिर आपका हायर व्यू राउंड होता है एंड फिर फाइनली यू गेट टू प्रोसेस, लाइक टू राउंड अलग अलग होंगे आपके एंड देन लास्ट में एक उसी दिन हायरिंग मैनेजर राउंड भी एक हो जाता है। तो द एंटायर प्रोसेस लाइक 3 hours स्ट्रेट। तो लास्ट में लाइक मेरा जो प्रोसेस था वो तो उसी दिन हो गया था एंड देन फाइनली आई आल्सो गॉट द ऑफर एट द वेरी सेम डे, लाइक इंटरव्यू हो गया रात को मुझे ऑफर भी मिल गया उस कंपनी से। तो इट्स अ लाइक बहुत सिमिलर प्रोसेस है दोनों का। काफी सही, काफी सही। ठीक है, लाइक लास्ट क्वेश्चन है, अब कोई टीयर थ्री कॉलेज में कोई एक स्टूडेंट है एंड मतलब फर्स्ट ईयर लाइक तुम्हारा भी वेस्ट ही हो गया था आई वुड से, क्योंकि तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड तुमने सेकंड ईयर से ही पढ़ाई स्टार्ट करी, तो उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह हो कि कोई भी स्टूडेंट है उसने अभी कोडिंग स्टार्ट करी है या फिर वो फ्रीलांसिंग करना चाहता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ टिप्स वगैरह आ रही हो तो? ओके, तो फर्स्ट चीज जो है वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए तुमको रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि तुमको लाइक ग्रैंड मास्टर लेवल का कॉम्पिटेटिव कोडिंग करना है, वैसा भी नहीं है। लाइक थोड़ा बहुत अगर तुम बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंटरनेशनल के लिए, थोड़ा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, नॉर्मल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, तुम प्रोजेक्ट जो भी कर रहे हो इनोवेटिव करो, कॉम्प्लेक्स ज्यादा मत करो, बिकॉज अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करते हो तो तुमको उस पर ग्रिल किया जाएगा, उसके यूज केसेस पूछे जाएंगे, डिपेंडेंसीज पूछे जाएंगी और भी बहुत कुछ टेक स्टैक के ऊपर पूछा जा सकता है। तो वहां पे अगर तुमने कुछ गलती कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जो भी कर रहे हो वो खुद से बनाओ, एक ट्राई करो कि उस प्रोजेक्ट का कुछ यूजर बेस है, 30-40 या फिर 5 भी अगर यूजर बेस है बहुत बढ़िया है। तो ये तो चीज होगी प्रोजेक्ट्स की। बिहेवियरल क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करो, बिकॉज बिहेवियरल क्वेश्चंस के ऊपर भी लास्ट राउंड डिपेंड करता है, तुम्हारा हायरिंग मैनेजर राउंड, तो उस पे भी तुमने अगर कुछ गलत बोल दिया तो नेगेटिव चांसेस रहते हैं कि तुमको ऑफर नहीं मिलेगा, तो उसको भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। एंड फाइनली कोडिंग के लिए मैं यही बोलूंगा, क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस मत करो, एल्गोरिदम्स देखो, एल्गोरिदम से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, वेरिएशंस देखते रहो चीजों के और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते रहो एग्जांपल्स के ऊपर। तो या दैट्स इट। काफी सही, ये एल्गोरिथम्स वाली चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी क्वेश्चन नहीं याद करना है, अप्रोच समझनी है कि कैसे उस प्रॉब्लम तक पहुंचे, सॉल्यूशन तक पहुंचे, दैट वुड हेल्प। क्योंकि कई ज्यादातर कंपनीज तुम्हारी क्वेश्चंस नहीं चेक करती, तुम्हारी अप्रोच चेक करती है कि तुम एन स्क्वायर या फिर n raised to power n किसी भी सॉल्यूशन से तुम ऑर्डर ऑफ n log n तक कैसे पहुंचे, जो वो पूरा प्रोसेस था वो कैसे था, वो ये नहीं देखेंगे कि डायरेक्टली तुमने n log n या ऑर्डर ऑफ n का सॉल्यूशन बताया नहीं बताया। तो हमेशा प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, एंड एल्गोरिथम्स अच्छे से पढ़नी है। सो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम, काफी मजा तुम्हारे साथ बात करके एंड काफी इंसाइटफुल रहा पूरा ये हमारा इंटरव्यू। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार, इतना ही था आज वाले वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अब तक नहीं किया है तो, एंड इसके अलावा यार सनी का चैनल एंड लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, यू कैन चेक आउट द चैनल एंड सेंड हिम अ कनेक्शन रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।